हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम फेस जोन के इस एपिसोड में जतींद्रनाथ मुखर्जी के बारे में जानने वाले हैं, जिनका जन्म 7 दिसंबर 1879 कायाग्राम कुश्तिया जिला बांग्लादेश और स्वर्गवास 10 सितंबर 1915 बालेश्वर ओडिशा। उपलब्धियां: 27 वर्ष की आयु में एक बार जंगल से गुजरते हुए जतींद्रनाथ की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई। उन्होंने बाघ को अपने हंसिए से मार गिराया था। इस घटना के बाद जतींद्रनाथ बाघा जतीन के नाम से विख्यात हो गए थे। जतींद्रनाथ मुखर्जी अथवा बाघा जतीन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बंगाली क्रांतिकारी थे। इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माता ने घर की समस्त जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसे बड़ी सावधानी पूर्वक निभाया। जतींद्रनाथ मुखर्जी के बचपन का नाम जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय था। अपनी बहादुरी से एक बाघ को मार देने के कारण ये बाघा जतीन के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए थे। जतींद्रनाथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्यकारी दार्शनिक क्रांतिकारी थे। वे युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। उस समय युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन थी। क्रांतिकारी जीवन: इन्हीं दिनों अंग्रेजों ने भंग की योजना बनाई। बंगालियों ने इसका विरोध खुलकर किया। ऐसे समय में जतींद्रनाथ मुखर्जी का भी नया रक्त उबलने लगा। उन्होंने साम्राज्यशाही की नौकरी को लात मारकर आंदोलन की राह पकड़ी। सन 1910 में एक क्रांतिकारी संगठन में काम करते वक्त जतींद्रनाथ हावड़ा षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें साल भर की जेल काटनी पड़ी। जेल से मुक्त होने पर वह अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बन गए और युगांतर का कार्य संभालने लगे। उन्होंने अपने एक लेख में उन्हीं दिनों लिखा था, पूंजीवाद समाप्त कर श्रेणीहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारियों का लक्ष्य है। देसी विदेशी शोषण से मुक्त कराना और आत्मनिर्णय द्वारा जीवन यापन का अवसर देना हमारी मांग है। डकैती: क्रांतिकारियों के पास आंदोलन के लिए धन जुटाने का प्रमुख साधन डकैती था। दुलरिया नामक स्थान पर भीषण डकैती के दौरान अपने ही दल के एक सहयोगी की गोली से क्रांतिकारी अमृत सरकार घायल हो गए। विकट समस्या यह खड़ी हो गई कि धन लेकर भागे या साथी के प्राणों की रक्षा करें। अमृत सरकार ने जतींद्रनाथ से कहा कि धन लेकर भाग जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, लेकिन इस कार्य के लिए जतींद्रनाथ तैयार न हुए तो अमृत सरकार ने आदेश दिया, मेरा सिर काट कर ले जाओ, जिससे कि अंग्रेज पहचान न सकें। इन डकैतियों में अडन रीच की डकैती बड़ी मशहूर मानी जाती है। इसके नेता जतींद्रनाथ मुखर्जी ही थे। इसी समय में विश्वयुद्ध प्रारंभ हो चुका था। कलकत्ता में उन दिनों राडा कंपनी बंदूक कारतूस का व्यापार करती थी। इस कंपनी की एक गाड़ी रास्ते से गायब कर दी गई थी, जिसमें क्रांतिकारियों को 52 मौजे पिस्तौलें और 50,000 गोली यहां प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश सरकार को ज्ञात हो चुका था कि बलियाघाट तथा गार्डन रीच की डकैतियों में जतींद्रनाथ का ही हाथ है। पुलिस से मुठभेड़: 1 सितंबर 1915 को पुलिस ने जतींद्रनाथ का गुप्त अड्डा काली पोक्ष ढूंढ निकाला। जतींद्रनाथ अपने साथियों के साथ वह जगह छोड़ने ही वाले थे कि राजमहंती नमक अफसर ने गांव के लोगों की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बढ़ती भीड़ को तितर बितर करने के लिए जतींद्रनाथ ने गोली चला दी। राजमहंती वहीं ढेर हो गया। यह समाचार बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट किलवी तक पहुंचा दिया गया। किलवी दल बल सहित वहां आ पहुंचा। यतीश नामक एक क्रांतिकारी बीमार था। जतींद्रनाथ उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। चित्तप्रिय नामक क्रांतिकारी उनके साथ था। दोनों तरफ से गोलियां चली। चित्तप्रिय वहीं शहीद हो गया। वीरेंद्र तथा मनोरंजन नामक अन्य क्रांतिकारी मोर्चा संभाले हुए थे। वीरगति की प्राप्ति: इसी बीच जतींद्रनाथ का शरीर भी गोलियों से छलनी हो चुका था। वह जमीन पर गिर गए। इस समय उन्हें प्यास लग रही थी और वे पानी मांग रहे थे। उनके साथी मनोरंजन उन्हें उठाकर नदी की ओर ले जाने लगा, तभी अंग्रेज अफसर किलवी ने गोलीबारी बंद करने का आदेश दे दिया। गिरफ्तारी देते समय जतींद्रनाथ मुखर्जी ने किलवी से कहा, गोली में और चित्तप्रिय ही चला रहे थे, मेरे बाकी का तीनों साथी बिल्कुल निर्दोष हैं। इसके अगले दिन 10 सितंबर 1915 को भारत की आज़ादी के इस महान सिपाही ने अस्पताल में सदा के लिए आंखें मूंद ली। तो ये थी जतींद्रनाथ मुखर्जी की जीवन की कथा। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर